नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में सरल भाषा में समझेंगे कैसे आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर द न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। हर SSC को अपनी इनकम साल के एंड में या फिर साल के शुरुआत में कैलकुलेट करनी चाहिए ताकि उसको ये पता लग सके कि उसको नॉर्मल प्रोविजंस या फिर जो हमारी न्यू टैक्स रेजीम है, कौन सी टैक्स रेजीम उसको सूट करती है इकोनॉमिकली। हमने हमारे इस वीडियो में 5 एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें हमने अलग अलग इनकम के बेसिस के ऊपर टोटल इनकम एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस, टोटल टैक्स एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस एंड टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स एज पर दी न्यू टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115 BSC को एक्सप्लेन करा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आपने अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर आपकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होनी है और कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए मोर बेनिफिशियल है। हर इनकम स्लैब के लिए अलग अलग टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से बेनिफिशियल टैक्स रेजिम आपकी कौन सी है। यहाँ पर कुछ केसेस में आपका रिफंड भी बनता है अगर आपको न्यू टैक्स रेजीम सेलेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि न्यू टैक्स रेजीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसके अंदर डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। विदाउट डिडक्शन अगर आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है, जैसे कि हमने लास्ट के 2 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं उधर रिफंड भी बनता है, आप उस रिफंड को भी क्लेम कर सकते हैं अपनी ITR में अगर आप ITR फाइलिंग के टाइम पे अंडर सेक्शन 115 BSC के अंतर्गत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इवन दो आपने नॉर्मल प्रोविजंस के ऊपर अपना TDS डिडक्ट कराया है, आप ITR फाइलिंग के टाइम पे ये सेक्शन सेलेक्ट करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आइए गाइज, अब हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में काफ़ी जोर दिया है जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस एडवांस अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ही करके ये 5 एग्जांपल्स हैं हमारे जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। वीडियो को एंड तक देखें और अंदर की बारीकियों को समझें कि कहाँ पे आपको कौन सी रिबेट अवेलेबल है, 87A की, 80TTA की, हमने इन सब को डिस्कस किया है इन 5 एग्जांपल्स में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, चलते हैं सीधा हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में। यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं हमारे जो कि रेजिडेंट हैं और एक इंडिविजुअल हैं। इनकी एज है 49 ईयर्स और ये एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में सैलरी से जो इनकम अर्न करी है डेट इज़ 5 लाख रुपीज़। ये है गाइस हमारा एग्जांपल नंबर 1 जिसमें हमने इनकम कंसीडर करी है 5 लाख रुपीज़। ही हैज़ ऑल्सो मेड सम इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जिसमें से उन्होंने LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, 5 ईयर FDR और ट्यूशन फीस। ये हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये हमारे टैक्स सेविंग फंड्स हैं। ये जो नॉर्मल आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी डिडक्शन नहीं मिलती है, जो टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं आपके सिर्फ उन्हीं की अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगी। ही हैज़ ऑल्सो मेड सम पेमेंट्स टूवर्ड मेडिकल प्रीमियम। 80D के अंडर मिस्टर ए ने 36,000 रुपीज़ स्पेंड करें ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। अब गाइस, डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड एज पर द न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। अब हम मिस्टर एक्स की इनकम टैक्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस, फिर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस, फिर हम उसके बाद आएंगे अपने न्यू टैक्स रेजिम में डेट इज़ अंडर सेक्शन 115 BSC, उसमें हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, देन उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब गाइज हम कैलकुलेट करते हैं मिस्टर ए की टोटल इनकम एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस। एम्प्लॉय स्टेटस जो मिस्टर एक्स का है डेट इज़ अदर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कवर नहीं है। सैलरी इनकम जो मिस्टर ए की है, सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए हमारे इस केस में 5 लाख रुपीस हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA हमारी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2021-22
इज 50,000 रुपीस। नेट सैलरी जो चार्जेबल है मिस्टर ए की, डेट इज 4,50,000। उसके बाद मिस्टर ए ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं जो कि 80C के अंडर एलिजिबल हैं फॉर द डिडक्शन पर्पस। LIP में मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपीस। PPF में इन्होंने 75,000 रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। NSC में उन्होंने 35,000 करे हैं। मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं 45,000 जो कि टैक्स सेविंग फंड्स हैं। 5-year FDR उन्होंने करी है विद SBI। ये 10,000 रुपीस हैं। मिस्टर ए ने ट्यूशन फीस के ऊपर खर्चा किया है फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड 18,960। इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 डेट इज 2,08,960 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C डेट इज 1,50,000 रुपीस। मैक्सिमम मिस्टर ए को जो रिबेट मिल सकती है अंडर सेक्शन 80C डेट वुड बी ऑफ रुपीज 1,50,000। 80D में मिस्टर ए ने जो स्पेंड किया है फॉर मेडिकल पर्पस डेट इज 36,000 जिसका मैक्सिमम कैप है अंडर सेक्शन 80D फॉर एन इंडिविजुअल जिन्होंने खुद के लिए इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपीस। टोटल डिडक्शन जो मिस्टर ए को मिलेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 डेट वुड बी 1,75,000। टोटल इनकम हुई मिस्टर ए की 2,75,000 और उसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसका अमाउंट सेम आएगा अंडर सेक्शन 288A, हमें उसे राउंड ऑफ करना होता है इनकम को। केस वन में मिस्टर ए की जो टैक्सेबल इनकम बनी है डेट इज 2,75,000। अब हम इसके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और एक आसान तरीके से समझते हैं कैसे आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। अब गाइज मिस्टर ए की जो इनकम बनी है डेट इज 2,75,000। हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एप्लीकेबल है डेट इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 2,50,000। इस 2,75,000 में से 2,50,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा डेट इज निल। देयर आफ्टर अब 2,50,000 से ज़्यादा कितना है, जो सेकेंड स्लैब है हमारा डेट इज 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक का, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है एट द रेट 5%। यानी 2,50,000 से जितना ऊपर होगा और 5,00,000 तक की इनकम है उसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हमारा जो ऊपर है 2,50,000 से ऊपर और 5,00,000 से कम डेट इज 25,000, तो हम इसको 25,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे डेट कम्स आउट टू रुपीज 1,250। 1,250 रुपये हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी फॉर, ये हमारा बेस रेट है जो बेस टैक्स आया है डेट इज 1,250। फर्दर स्लैब्स हम आगे वाले एग्जांपल्स में ये सब डिस्कस करेंगे। देन है गाइस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये हम तब कैलकुलेट करेंगे अगर हमारी आफ्टर कंसीडरिंग रिबेट, यहाँ पे गाइस हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंडर जो हमारी रिबेट है डेट इज 12,500 और इनकम टैक्स विच एवर इज लो, यानी अगर हमारा टैक्स 12,500 से ऊपर बनता है जो बेस टैक्स है तो हम इसमें से 12,500 डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे
अगर हमारा 12,500 से कम इनकम टैक्स बेस रेट कैलकुलेट होता है तो हम उसको टोटल एग्जम्पशन में ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 1,250 रुपये बनता है टैक्स, डेट इज़ मच लेसर देन 12,500। यहाँ पे ये हमारा टोटल एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंडर हमारे को इसकी रिबेट मिल जाएगी और हमारा इनकम टैक्स जो कि एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस बनता है निल। यहाँ पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं बनता। यह है गाइस इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। अब हम चलते हैं एज पर द सेक्शन 115BAC। टोटल इनकम एज पर द सेक्शन 115BAC अब हम कैलकुलेट करते हैं। एम्प्लॉयर का स्टेटस सेम रहेगा, सैलरी इनकम जो मिस्टर ए की है डेट इज 5 लाख रुपीज, एंड देयर विल बी नो स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC टू मिस्टर ए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। यहाँ पे मिस्टर ए की टोटल इनकम कंसिडर करी जाएगी 5 लाख रुपीज। चैप्टर 6A की डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं है जो हमारी नॉर्मल प्रोविजंस में एप्लीकेबल थी। चैप्टर 6A की डिडक्शन मिस्टर ए को 115BAC में अवेलेबल नहीं है उन इन्वेस्टमेंट्स की जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। टोटल इनकम जो मिस्टर ए की आ जाएगी एज पर द सेक्शन 115BAC डेट इज 5 लाख रुपीज। अब गाइज देखते हैं कंप्यूटेशन एज पर सेक्शन 115BAC। यह है गाइज हमारा इनकम टैक्स स्लैब अंडर सेक्शन 115BAC। यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज। फर्स्ट 2.5 लाख पे यहाँ पे हमारा टैक्स है निल, यानी 5 लाख में से पहले के जो 2.5 लाख हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टोटल एग्जेम्प्ट। देन है गाइज सेकेंड स्लैब पे आते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब, यानी कितनी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक है, डेट इज एग्जैक्ट 2.5 लाख। इसका जो स्लैब है डेट इज एट द रेट 5%। तो हम इस 2.5 लाख को 5% से कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज 12,500। यहाँ पे गाइस उसको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। सेक्शन 115BAC में भी आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो टोटल हमारे को जो रिबेट मिल जाएगी डेट इज 12,500 जो कि मैक्सिमम है अंडर सेक्शन 87A में। अभी हमने देखा था 12,500 और IT विच एवर इज लो, यहाँ पे ये दोनों अमाउंट सेम है हमारे, तो हमारे को 12,500 की टोटल रिबेट मिल जाएगी और इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 ऑफ मिस्टर ए अंडर सेक्शन 115BAC वो भी आ जाएगा आपका निल। ये है गाइस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड एज पर द न्यू टैक्स रेजिम। अब गाइस मिस्टर ए की कुछ और इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को लेके आते हैं ताकि हमारे को एक और ब्रॉडर व्यू मिल सके। अगर आपकी इनकम 5 लाख है और आपने कुछ और सेक्टर्स में भी इनकम अर्न करी है या फिर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, सपोज करते हैं गाइस मिस्टर ए ने अपने सेविंग बैंक इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 12,520। इन्होंने एक होम लोन ले रखा है, होम लोन का जो प्रिंसिपल इन्होंने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 35,000 और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट इन्होंने पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 71,250। इनकी कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें इन्होंने डिविडेंड अर्न किया है, डिविडेंड का जो अमाउंट है दैट इज 4,852। और गाइज इंटरेस्ट ऑन FDR भी इन्होंने अर्न किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट कम्स आउट टू रुपीज 61,000। ये हमारे एडिशनल ग्राउंड्स हैं
एडिशनल इनकम और एक्सपेंस। अब हम इनको भी कंसीडर करके देखते हैं, अगर हम इनको भी कंसीडर करें तो हमारी टोटल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे कर पाएंगे हम। अब गाइज मिस्टर ए की अब हम कंप्यूट करते हैं सबसे पहले टोटल इनकम एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस। सबसे पहले जो इनकम फ्रॉम सैलरी अब हम कंसीडर करेंगे वो हमारी सेम रहेगी 4,50,000 रुपीस, जो कि आफ्टर कंसीडरिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब हम इसको कंसीडर करेंगे, इसमें जो हमने इंटरेस्ट पे किया है अंडर सेक्शन 24B जो कि हमारा 71250 था, इसकी हमारे को डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब मिस्टर ए ने कुछ अदर इनकम भी अर्न करी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो कि सेविंग बैंक से उनका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन FDR है, देन डिविडेंड इनकम। सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट था डेट इज 12520, FDR पे उन्होंने अर्न किया 61,000 एंड डिविडेंड जो उन्होंने अर्न किया डेट इज 4852, इसका जो टोटल आता है डेट इज 78,372 रुपीस। ये बनी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू रुपीज 4,57,122। डिडक्शंस जो हमारी हैं अंडर चैप्टर 6 से अब इसमें हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट था जो प्रीवियस हमने अभी एग्जांपल किया था उसमें अगर हम अपनी हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल को अगर ऐड कर दें तो टोटल जो हमारी बन जाएगी डिडक्शन दैट वुड कम्स आउट टू रुपीज 2,43,960 जो कि मैक्सिमम हमारे को अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C 1,50,000। 80TTA अंडर सेक्शन 80TTA में हमारे को डिडक्शन मिल जाएगी फ्रॉम द इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीस। और अंडर सेक्शन 80D में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी जो कि मैक्सिमम हमारे को 25,000 अवेलेबल थी डेट इज 25,000। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 कम्स आउट टू रुपीज 2,72,122। इसको हम अब राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288A जो कि आ जाएगी 2,72,120। नियरेस्ट 2 रुपीज 10 हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2,72,120। ये है मिस्टर ए की टोटल इनकम जिसके ऊपर अब हम इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब गाइस टैक्स कंप्यूट करते हैं मिस्टर ए का अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। टोटल इनकम जो मिस्टर ए की आई टैक्सेबल टोटल इनकम दैट इज 2,72,120। हमारा फर्स्ट स्लैब है अप टू 2,50,000 निल, यानी इसमें से पहले के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के ऊपर हमारा 5% का स्लैब है। इसमें से जो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है डेट इज रुपीज 22,122, इसके ऊपर अब हम कैलकुलेट करेंगे 5% डेट कम्स आउट टू रुपीज 1,106 रुपीज। ये हमारी 87A के अंडर रिबेट में पूरा कवर हो जाएगा जो कि मैक्सिमम हमारी 12,500 तक है। आफ्टर कंसीडरिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A
मिस्टर ए की 272,000 टैक्सेबल इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह है गाइस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस। अब हम चलते हैं एज पर द सेक्शन 115 बीएसी पे। अब गाइस टोटल इनकम देखते हैं मिस्टर ए की अंडर सेक्शन 115 बीएसी। सैलरी इनकम मिस्टर ए की बनी 5 लाख, जिसमें से कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। देन है गाइस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हमारे को इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 25B जो हमने पे किया था नॉट अलाउड ड्यू टू सेक्शन 115 BAC, ये भी हमें अलाउड नहीं है। इसकी एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 115 BAC में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FDR इनकम एंड डिविडेंड इनकम, ये हमारी एड ऑन हो जाएंगी इन आवर सैलरी इनकम। और टोटल इनकम जो हमारी बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, डेट वुड बी 5,78,372। इसको अब हम राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288A नियरेस्ट टू ₹10, डेट्स कम आउट टू ₹5,78,370। ये बनी गाइस हमारी टोटल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 BAC। अब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस टैक्स कैलकुलेट करते हैं एज पर सेक्शन 115 BAC। टोटल इनकम जो मिस्टर ए की आई थी डेट इज 5,78,372। इसमें से पहले के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। फर्स्ट स्लैब है हमारा अप टू 2,50,000 नील। देन है 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब हमारा जिसपे 5% टैक्स लगता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट 2.5 लाख पे हमारे को टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%, जो कि पूरा हम 5% पे कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू ₹12,500। देन है गाइस 5,01,000 से लेकर 7.5 लाख तक एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जो नेक्स्ट रह गया हमारा, जो बैलेंसिंग फिगर रह गई है, डेट इज 78,372 रुपीस। इसके ऊपर अब हम 10% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू ₹7,837। टोटल टैक्स बना गाइस हमारा 20,337। अब इस 20,337 पे हमारे को रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी नेट टैक्सेबल लायबिलिटी 5 लाख से ज़्यादा है। अब हम इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा 4% है, विच कम्स आउट टू ₹812। टोटल इनकम टैक्स बना हमारा 21,150। अब अगर मिस्टर ए वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं अंडर सेक्शन 115 BAC में करूँगा, तो यहाँ पर उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234 ABC अकॉर्डिंगली। गाइस हमने देखा अगर हमारी एस्टिमेटेड सैलरी इनकम 5 लाख रुपीज़ हैं, तो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर हमारा जो टैक्स बनता है डेट इज नील, ये हमने देखा। और इनकम टैक्स रेजीम जो कि न्यू टैक्स रेजीम है, उसमें
पूरा 12,500 हमारा टैक्स बन रहा था, उसमें भी हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है नील। लेकिन अगर हम उस एडवांस इनकम और एडवांस इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करें जो कि हमारी 5 लाख पे हमने कंसिडर करी थी, नॉर्मल प्रोविजंस जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था वो बना था हमारा 1,106 और टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी थी नील अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम। लेकिन अगर हम उसी एडवांस इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करें फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 BSC, वहाँ पे हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी थी 21,150 रुपीस। वो भी तब अगर मिस्टर ए ने बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा उससे पहले ये टैक्स लायबिलिटी पे कर दी थी और इसकी कंप्यूटेशन उन्होंने साल के बिगनिंग में ही कर ली थी। लेकिन अगर वो 31 मार्च के बाद इसको कंप्यूट करते हैं और अपनी ITR की ड्यू डेट के आसपास उसकी कंप्यूटेशन करते हैं, देन उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स में उनको पे करना पड़ेगा। अब इसमें बेनिफिशियल कौन सा रहा? अगर हम बेनिफिशियल की बात करें, नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेशन थी उसमें हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जिस्टिंग स्कीम है या फिर 115 BSC में है। लेकिन अगर हमने एडवांस जो इनकम और एक्सपेंडिचर कंसिडर करे हैं उस केस में अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग स्कीम हमारी बेनिफिशियल है मिस्टर ए के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसलिए गाइज आप साल के बिगनिंग में ही इसको कंसिडर कर लें कि 115 BSC आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नॉर्मल प्रोविजंस। गाइज आते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेम मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 49 सैलरीड एम्प्लॉय। अब इन्होंने इनकम अर्न करी है 6,15,000। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर ए ने जो अब इनकम अर्न करी है डेट इज 6,15,000। ATC के पर्पस के लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने इन सब का अमाउंट सेम रखा है, ताकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने इसका अमाउंट सेम रखा है ताकि एक इजीनेस बनी रहे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है और हमारी टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी। ATD का भी अमाउंट हमने सेम रखा है। अब हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है मिस्टर ए की फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर नॉर्मल प्रोविजंस एंड अंडर सेक्शन 115 BSC। गाइस मिस्टर ए की टोटल इनकम हम कंप्यूट करते हैं एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस। सैलरी इनकम अब हमारी इस केस में है 6,15,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारे को अब अवेलेबल है डेट इज 50,000। टोटल इनकम अंडर सैलरी हो जाएगी हमारी 5,65,000। अब डिडक्शंस में इन सब का अमाउंट जो हमारा टोटल बना था डेट इज 2,08,960। मैक्सिमम जो हमारे को अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C डेट इज 1,50,000। 80D में 36,000 स्पेंड किया था, बट मैक्सिमम जो अलाउेबल है अंडर सेक्शन 80D टू मिस्टर ए डेट इज 25,000। टोटल डिडक्शन ऑफ मिस्टर ए कम्स आउट टू रुपीज 1,75,000। टोटल इनकम अब मिस्टर ए की बनी 3,90,000। अब हम मिस्टर ए की इनकम को अब हम मिस्टर ए की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे ऑन 3,90,000। गाइज मिस्टर ए की टैक्स कैलकुलेशन ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीस। अब हम जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो ऑन 3,90,000 कैलकुलेट करेंगे। एग्जेम्पशन 2,50,000 तक हमारे पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, यानी 3,90,000 में से पहले के 2.5 लाख हम निकाल देंगे जिस पे हमारे पे टैक्स नहीं लगेगा। देन गाइज हमारा सेकेंड स्लैब है 2,50,000 से लेके 5 लाख तक का, इस पे हमारा 5% का स्लैब है। अब 3,90,000 ढाई लाख से कितना एक्सीड करता है डेट इज़ 1,40,000 हमारा 2.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। इस पे हम अब 5% कैलकुलेट करेंगे डेट कम्स आउट टू रुपीज़ 7,000।
7000 हमारा बना इनकम टैक्स, लेकिन अब हमें रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। 7 लाख की रिबेट मिलने के बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी हमारी बनेगी निल। मिस्टर ए की नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अगर 6,15,000 की इनकम है और वो फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद नेट टैक्सेबल लायबिलिटी अगर 3,90,000 है, तो मिस्टर ए का नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम टैक्स नहीं बनेगा। गाइज, मिस्टर ए की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर द सेक्शन 115 BSC। सैलरी इनकम मिस्टर ए की रहेगी 6,15,000। इसमें से नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, नो चैप्टर 6A डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 BSC। राउंड ऑफ करने के बाद हमारी टोटल इनकम 6,15,000 बन जाएगी। यानी अब मिस्टर ए को अगर वो 115 BSC के अंडर कंसिडर करते हैं अपनी ITR फाइलिंग, तो मिस्टर ए को 6,15,000 रुपये की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब गाइस टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं एज पर द सेक्शन 115 BSC। 6,15,000 के ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे मिस्टर ए का। पहला स्लैब है हमारा अप टू 2,50,000 निल, यानी 6,15,000 में से पहले के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन है गाइस 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का स्लैब, जिसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टोटल 2,50,000 के ऊपर, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू ₹12,500। देन है गाइस 5 लाख एक से लेके 7.5 लाख तक का स्लैब। अब 5 लाख से ऊपर हमारी इधर इनकम है 1,15,000 रुपये। इसका स्लैब का जो टैक्स रेट है डेट इज 10%। अब हम 1,15,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू ₹11,500। टोटल हमारा टैक्स बना गाइस 24,000। अब हम इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। 24,000 का अगर हम 4% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू ₹960। राउंड ऑफ करें हम अंडर सेक्शन 288B में, टोटल जो हमारा टैक्स बना डेट इज 24,960। इसको अब हम राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288B, डेट इज नियरेस्ट ऑफ ₹100 करना होता है इसमें। 25,000 मिस्टर ए का बनता है टैक्स अंडर सेक्शन 115 BSC। ये है गाइस कंप्यूटेशन अगर हम इनकम कंसिडर करें 6,15,000 विद फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। अब गाइस एस्टिमेटेड इनकम अगर 6,15,000 है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर हमारा टैक्स नहीं बनता। हमने जो कैलकुलेट किया था डेट इज 7,000 और उसकी हमें रिबेट मिल गई थी अंडर सेक्शन 87A। गाइस अगर मिस्टर ए सेलेक्ट करते हैं 115 BSC, तो उनको 25,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द इनकम ऑफ 6,15,000 विद द सेम इन्वेस्टमेंट्स। बेनिफिशियल गाइस मिस्टर ए के लिए रहेगा एग्जिस्टिंग स्कीम इस केस में भी। अब हम गाइस देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3, जिसमें मिस्टर ए की इनकम है 8,15,000। 8,15,000 रुपये मिस्टर ए की इनकम है इन द प्रीवियस ईयर, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मिस्टर ए ने 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हमने एग्जांपल में सेम रखी है। 80D में इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए की सेम है। अब फॉर द प्रीवियस ईयर मिस्टर ए का TDS कटा है 31,720 फ्रॉम सैलरी। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिस्टर ए की इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड एज पर द सेक्शन 115 BSC। गाइस मिस्टर ए की सैलरी इनकम है हमारे इस थर्ड एग्जांपल में 8,15,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें अवेलेबल हो जाएगी 50,000 की।
टोटल सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए कम्स आउट टू रुपीज 7,65,000। डिडक्शन का अमाउंट हमारा सेम रहेगा जिसका टोटल है 2,08,960 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। ATD के पर्पस के लिए 36,000 का एक्सपेंडिचर था जिसमें से मैक्सिमम अलाउेबल है 25,000 टू मिस्टर ए। टोटल डिडक्शन आ जाएगी 1,75,000। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए विल कम्स आउट टू रुपीज 5,90,000। अब टोटल इनकम मिस्टर ए की आई 5,90,000 विच इज मोर देन 5,00,000। अब इस केस में अंडर सेक्शन 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी टू मिस्टर ए। अब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं। मिस्टर ए की 5,90,000 की इनकम के ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले के 2,50,000 के ऊपर टैक्स है निल। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर हमारा 5% का स्लैब है। 2,50,000 के ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज 12,500। देन 5,00,000 से लेके 10,00,000 तक का हमारा जो स्लैब है उसके अंडर जो हमारी इनकम आती है डेट इज 90,000 रुपीज़। इसका हमारा जो टैक्स स्लैब है डेट इज 20%। हम 20% कैलकुलेट करेंगे 90,000 का विच कम्स आउट टू रुपीज 18,000। टोटल टैक्स हमारा बना 30,500। इसके ऊपर अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे 4% का विच कम्स आउट टू 1,220 रुपीज़। टोटल टैक्स बना हमारा 31,720। TDS हमारा डिडक्ट हुआ था 31,720। अगर मिस्टर ए अपने एम्प्लॉयर को साल के बिगनिंग में बता देता है कि मैं नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ तो अकॉर्डिंगली उसका एम्प्लॉयर उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। इस हिसाब से उसकी इनकम कैलकुलेट होगी और इस हिसाब से उसका टैक्स भी बनेगा और इसी हिसाब से उसका टाइमली क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसका एम्प्लॉयर उसका TDS डिडक्ट करेगा और एट द एंड उसको फॉर्म 16 इशू करके देगा। अब गाइस देखते हैं सेक्शन 115BAC के अंडर इसकी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सैलरी इनकम इज 8,15,000 जिसमें से नो स्टैंडर्ड डिडक्शन नो चैप्टर 6A डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए। टोटल इनकम आ जाएगी मिस्टर ए की 8,15,000 जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे कम्स आउट टू 8,15,000। इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ मिस्टर ए अंडर सेक्शन 115BAC ऑन 8,15,000। पहले के 2.5 लाख के ऊपर टैक्स है निल यानी 8,15,000 के पहले के 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे हमारा 5% का स्लैब है विच कम्स आउट टू रुपीज 12,500। उसके बाद 5,01,000 से लेके 7,50,000 तक का हमारा 10% का स्लैब है। यहाँ पे 2.5 जो नेक्स्ट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा एट द रेट 10% विच कम्स आउट टू रुपीज 25,000। 7,50,000 से ऊपर और 10,00,000 तक के बीच की जो हमारी इनकम है जो कि फोर्थ स्लैब हमारा आता है उसमें जो हमारी इनकम आई डेट इज 65,000। अब हम 65,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू 9,750। टोटल हमारा जो टैक्स बना कम्स आउट टू 47,250। इसके ऊपर अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कैलकुलेट करेंगे 1,890। टोटल टैक्स हमारा बना 49,140। TDS हमारा एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस जो डिडक्ट हो रखा है डेट इज़
31720। बैलेंसिंग अमाउंट जो अभी तक मिस्टर ए ने पे नहीं करा, अगर वो सेक्शन 115 बीएससी सेलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर 1, दैट इज 17,420, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 17,400 बन जाएगा। इधर रिफंड नहीं बनेगा, इधर इनका पेबल बन जाएगा ऑफ रुपीज 17,400। अब अगर मिस्टर ए साल के एंड में ये सोचें कि मैंने सेक्शन 115 बीएससी के अंडर आईटीआर फाइल करनी है, तो उनको 17,400 रुपये का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गाइस, थर्ड एग्जांपल में हमने देखा, अगर हमारी इनकम 8,15,000 है विद दोज इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारा जो इनकम टैक्स बना था अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम 31720 और अंडर सेक्शन 115 बीएससी हमारा जो टोटल टैक्स बना था डेट इज 49140। स्टिल अगर 8,00,000 तक भी इनकम है मिस्टर ए की, तो एग्जिस्टिंग स्कीम मिस्टर ए के लिए बेनिफिशियल है, वो नॉर्मल स्कीम को ही अडॉप्ट करें। अब गाइस, आते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में अब मिस्टर ए की जो इनकम है डेट इज 16,50,000 रुपीस। अब हम 16,50,000 के ऊपर इनकम कैलकुलेट करेंगे मिस्टर ए की, और इनकम टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे अंडर न्यू टैक्स रेजीम एंड अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। मिस्टर ए का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है डेट इज 2,49,600 रुपीस ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब गाइस, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 16,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए 50,000। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए अंडर सैलरी इज 16,00,000 रुपीस। डिडक्शन सेम है हमारी, फॉर एजुकेशनल पर्पस हमने सिर्फ अमाउंट को सेम रखा है, 2,08,960 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। ए टी डी में हमने 36,000 का एक्सपेंडिचर किया था सब्जेक्ट टू रुपीज 25,000। टोटल डिडक्शन ऑफ मिस्टर ए इज 1,75,000 एंड टोटल इनकम कम्स आउट टू रुपीज 14,25,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अब गाइस, 14,25,000 के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ऑफ मिस्टर ए। टैक्स कंप्यूटेशन अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ मिस्टर ए, टैक्स कैलकुलेशन ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीज 14,25,000। इसमें से पहले के 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, डेट इज निल। नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर हमारा 5% का स्लैब है, टैक्स कम्स आउट टू 12,500। 5,00,000 से 10,00,000 तक का हमारा स्लैब है 20% का, विच कम्स आउट टू नेक्स्ट 5,00,000 के ऊपर अब हम 20% कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स, विच कम्स आउट टू 1,00,000 रुपीस। अब नेक्स्ट स्लैब है हमारा 10,00,000 से ऊपर की इनकम का, जिसके ऊपर हमारा 30% का स्लैब है। अब 10,00,000 से ऊपर हमारी इनकम है 4,25,000। अब नेक्स्ट 4,25,000 के ऊपर हम 30% कैलकुलेट करेंगे, डेट कम्स आउट टू 1,27,500। ये है गाइस हमारा टोटल टैक्स, विच इज 2,40,000। रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि टैक्सेबल इनकम फार मोर है 5,00,000 से। इसके ऊपर अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे 4%, डेट कम्स आउट टू 9,600। टैक्स बनेगा हमारा
249,600 और इतना ही हमारा TDS डिडक्ट हुआ था। ये है गाइस हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। अगर इनकम हम कंसिडर करें 16,50,000 की विद दीज इन्वेस्टमेंट्स। अब गाइस कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए अंडर सेक्शन 115 BAC। सैलरी इनकम इज 16,50,000 जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और चैप्टर 6A की डिडक्शन इसको अवेलेबल नहीं होगी अंडर सेक्शन 115 BAC। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए विल कम्स आउट टू रुपीज 16,50,000 विद नो डिडक्शन अवेलेबल। अब गाइस कंप्यूट करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज पर द सेक्शन 115 BAC। टोटल टैक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन नॉर्मल इनकम दैट इज ऑन 16,50,000। 16,50,000 में से पहले के 2.5 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा निल, यानी इसमें से पहले की 2.5 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स है निल। देन है गाइस हमारे 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब जिसका रेट है 5%। इस पे हमारा इनकम टैक्स बनेगा 12,500। इसके बाद 2.5 लाख पे हमारा 5% का स्लैब है। देन है 5 लाख से 7.5 लाख, इसके ऊपर हमारा स्लैब है 10% का। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर अब हम 10% कैलकुलेट करेंगे, डेट कम्स आउट टू 25,000। उसके बाद स्लैब है 7.5 लाख से 10 लाख तक का, द रेट ऑफ टैक्स है 15%। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर अब हम 15% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज़ 37,500। नेक्स्ट स्लैब इज 10 लाख से 12.5 लाख। इस इनकम का जो टैक्स स्लैब है डेट इज 20%, जिसका कैलकुलेट करके आता है हमारा 50,000 रुपीज़। देन 12.5 लाख से 15 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख का जो स्लैब है हमारा वो हमारा 25% का है, जिसका टैक्स अमाउंट बनता है 62,500। देन गाइस 15 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर हमारा 30% का स्लैब है। 15 लाख से ऊपर हमारी 1,50,000 की इनकम है, इसके ऊपर हमारा 30% का स्लैब है, टैक्स कम्स आउट टू 45,000। टोटल टैक्स हमारा बना 2,32,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज़ 9,300। इसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा बनेगा 9,300 रुपये। टोटल टैक्स हमारा बनेगा 2,41,800। अब मिस्टर ए का इस केस में जो TDS डिडक्ट हुआ था अंडर नॉर्मल प्रोविजंस डेट इज 2,49,600। यानी नॉर्मल प्रोविजंस में मिस्टर ए ने टैक्स ज़्यादा पे किया। अगर वो 115 BAC कंसिडर करता तो उसे 7,800 रुपये कम टैक्स पे करना पड़ता। अगर अब वो ITR फाइल करता है अंडर सेक्शन 115 BAC में तो उस केस में उसको रिफंड भी मिलेगा। अब गाइस फोर्थ केस में हमने देखा अगर इनकम हमारी 16,50,000 है अंडर नॉर्मल प्रोविजंस जो हमारा टैक्स बना था डेट इज़ 2,49,600 एंड अंडर सेक्शन 115 BAC हमारा टैक्स बना था 2,41,800। इस केस में हमारा गाइस बना था रिफंड। अब अगर मिस्टर ए फाइल करते हैं अपनी ITR अंडर सेक्शन 115 BAC तो वो इस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। अब जो बेनिफिशियल रहेगा मिस्टर ए के लिए डेट इज 115 BAC। अब गाइस आते हैं हमारे फिफ्थ एग्जांपल में जो कि इस वीडियो के लिए हमने लास्ट एग्जांपल रखा है।
मिस्टर ए की जो इनकम है दैट इज 55 लाख रुपीस, दीज डिटेल्स आर सेम, 80D का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, TDS जो डिडक्ट हुआ है दैट इज 15,95,880। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस एंड एज पर द सेक्शन 115 BSC। सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 55 लाख रुपीस, स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए इज 50,000, टोटल इनकम अंडर सैलरी इज 54,50,000 रुपीस। चैप्टर 6 ए की डिडक्शन का हमारा अमाउंट सेम रहेगा जिसका टोटल था 2,08,960 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। 80D के पर्पस के लिए 36,000 का एक्सपेंडिचर था सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। टोटल डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए इज 1,75,000। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 52 लाख रुपीज 75,000। अब हम इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ मिस्टर ए इज ऑन 52,75,000। पहले के 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, फर्स्ट स्लैब में हमारा टैक्स है निल। देन 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब हमारा 5% में आता है, इसके ऊपर हमारा टैक्स बनेगा 12,500। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500। नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से 10 लाख, इसका हमारा टैक्स रेट है 20%, इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ का हमारा टैक्स आ जाएगा। अब 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर हमारे को 30% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। इस केस में 10 लाख से ऊपर जो इनकम है डेट इज़ 42,75,000, इसका हम 30% कैलकुलेट करेंगे डेट कम्स आउट टू रुपीज़ 12,82,500। टोटल टैक्स कम्स आउट टू 13,95,000। अब गाइज 50 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर हमारा सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, तो अब हम इस इनकम के ऊपर पहले सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। यानी जो बेस टैक्स आया सबसे पहले सेस कैलकुलेट करने से पहले इसके ऊपर सरचार्ज ऐड होगा। सरचार्ज है हमारा 10%, डेट कम्स आउट टू रुपीज़ 1,39,500। टोटल टैक्स बना हमारा 15,34,500। अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे, डेट कम्स आउट टू रुपीज़ 61,380। टोटल टैक्स बनेगा मिस्टर ए का अंडर नॉर्मल प्रोविजंस 15,95,880। TDS डिडक्ट हुआ था मिस्टर ए का 15,95,880। ये है गाइस इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर ए अंडर नॉर्मल प्रोविजंस अगर उनकी इनकम 55 लाख रुपए है और विद दीज डिडक्शंस। अब गाइस देखते हैं कंप्यूटेशन एज पर द सेक्शन 115 BAC टोटल इनकम कितनी बनेगी मिस्टर ए की। सैलरी इनकम इज 55 लाख विद नो डिडक्शन अवेलेबल, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए अंडर सेक्शन 115 BAC विल कम्स आउट टू रुपीज 55 लाख। अब गाइस टैक्स कैलकुलेट करते हैं ऑफ मिस्टर ए एज पर दिस सेक्शन 115 BAC। टोटल इनकम ऑन 55 लाख के ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 55 लाख में से पहले के 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा डेट इज निल। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का स्लैब है हमारा विच कम्स आउट टू रुपीज़ 12,500। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर जो हमारा स्लैब है डेट इज़ 10%,
which comes out to ₹25,000. Next 2.5 lakh के ऊपर tax slab है 15% का, जिसका tax बनता है 37,500. Next 2.5 lakh के ऊपर tax slab है 20% का, जो कि 10 लाख से 12.5 लाख तक की income पे है. इसके ऊपर हमारा 20% का slab है, जिसका tax बनता है ₹50,000. Next 2.5 lakh का slab है हमारा 25% का, जिस पे tax बनता है 62,500. इसके बाद 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर हमारा टैक्स बनता है 30% का. इस केस में हमारा 40 लाख रुपीस इस स्लैब में आता है, जिस पे हमारे को टैक्स पे करना है एट द रेट 30%, जो कि आएगा 12 लाख रुपीस. सरचार्ज हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस, जिसमें टोटल टैक्स अमाउंट है 13,87,500 के ऊपर हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे. डेट कम्स आउट टू 1,38,750. देन इसका टोटल बनेगा हमारा 15,26,250. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे हम, डेट कम्स आउट टू 61,050 रुपीस. TDS हमारा डिडक्ट हुआ था 15,95,880. दैट मींस 115 BAC में मिस्टर ए ने अगर फाइल करेगा तो उसको रिफंड मिलेगा ऑफ रुपीस 8,580. ये है गाइस अमाउंट. मिस्टर ए ने नॉर्मल प्रोविजंस में ज़्यादा टैक्स पे किया है with these income and with these deductions. अब guys आप खुद analyze करें अपनी total income and deductions, उस हिसाब से आपको किस tax regime को select करना है, existing या फिर new tax regime, ये आपके ऊपर है. इस video से related, इस content से related कोई भी आपकी query है, इस video की description में मेरा email ID available है, आप मुझे directly email कर सकते हैं with your particulars of income and deductions and with age. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि timely आपको reply कर सकूँ. अब guys हमने अपने 5th example में देखा, जहाँ पे हमने 55 लाख रुपए की income consider करी थी. Normal provisions में हमारा जो tax बना था that is 15,95,880. और अगर हम इसी income को 115 BAC में calculate करें, that comes out to 15,87,300. यानी इस केस में भी हमारा रिफंड बनता है अगर हम 115 BAC के अंडर अपनी ITR को फाइल करें एट द एंड ऑफ द ईयर. इस केस में भी हमारा जो बेनिफिशियल रहेगा टू मिस्टर ए आफ्टर कंसीडरिंग दीज इनकम एंड डिडक्शंस. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.